जानिए कैसे बन गए भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक SS राजामौली दो दशक से अधिक समय से फिल्में बना रहे हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने बाहुबली फिल्म की बदौतल वैश्विक जनता की नजरों में अकेले ही तेलुगु सिनेमा को आगे बढ़ाया है। राजामौली ने आज तक कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले राजामौली भारत के सबसे बड़े डायरेक्टर कैसे बने, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। राजामौली का जन्म 10 अक्टूबर 1973 को दक्षिण भारतीय स्क्रिप्ट राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद और राजा नंदिनी के घर हुआ था। उनका पूरा नाम कोदूरी श्रीसेला राजामौली है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ईटीवी तेलुगु के एक शो से की थी। तब वो के राघवेंद्र राव के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। राजामौली ने उन्हीं से निर्देशन सीखा और वो उन्हें अपना मेंटर बताते हैं। टेलीविजन में कुछ समय काम करने के बाद जब उन्हें अनुभव मिल गया तो उन्होंने 2001 में बड़े पर्दे की ओर रुख किया। उन्होंने जूनियर NTR के साथ फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 बनाई और एक निर्देशक के रूप में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अपने करियर की शुरुआत के बाद से राजामौली कभी भी एक के बाद एक फिल्म बनाने की जल्दी में नहीं रहे। स्टूडेंट नंबर 1 हिट साबित हुई, लेकिन उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म सिम्हाद्री आने में 2 साल का समय लग गया। इसके बाद उन्होंने 2004 में नितिन और जेनेलिया डिसूजा स्टारर सई के बनाई, जो भी सफल साबित हुई। इसके बाद साल 2005 में राजामौली की प्रभास के साथ छत्रपति आई, जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। अपनी हर फिल्म के साथ राजामौली एक आकर्षक पटकता के साथ कहानी को एक बेहतर ढंग से पेश करने लगे। राजामौली के पिता फिल्म की कहानी पर काम करते और वो अपनी कल्पना के माध्यम की कहानी में जान डाल देते। उन्होंने 2006 में विक्रमा कुरुडू में रवि तेजा के साथ काम किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इसके बाद विक्रमा कुरुडू का तमिल में सिरुथाई, हिंदी में राउडी राठौर और कन्नड़ में वीरा मदकारी नाम से रीमेक बनाया गया। ये सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजामौली की फिल्मों की खास बात ये भी है कि वो अपनी फिल्मों में खुद भी कोई ना कोई किरदार जरूर निभाते हैं और स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। साल 2009 में आई मगदीरा और 2012 में आई ईगा से उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। ईगा फिल्म के बाद राजामौली को ऐसे निर्देशक के रूप में देखा जाने लगा जो एकदम हटकर फिल्में बनाते हैं। SS राजामौली को साल 2016 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। अपनी फिल्मों के साथ राजामौली सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने के साथ ही फिल्म निर्माण के अपने सितार को भी बढ़ाते चले गए। बाहुबली फ्रेंचाइजी की बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन ने राजामौली को वैश्विक जनता तक पहुंचा दिया। इसके बाद से राजामौली की गिनती भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर में होने लगी। अब राजामौली की एक और बड़ी फिल्म RRR 25 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म में रामचरण, जूनियर NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।